हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा वेज स्प्रिंग रोल की बढ़िया सी रेसिपी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से बनकर तैयार हुआ। तो इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने पत्ता गोभी और गाजर ले लिया है, जिसको हमने लंबे और पतले साइज में कट कर लिया है। उसी तरीके से एक प्याज ले लेंगे और एक शिमला मिर्च ले लेंगे। तो दोनों को लंबा कटा हुआ लेना है। हरे प्याज के पत्ते लेंगे चॉप कटे हुए। एक चम्मच सोया सॉस लेंगे, एक चम्मच रेड चिली सॉस, दो कुटी हुई हरी मिर्च या बारीक काट के भी ले सकते हो। यहाँ पे एक छोटा चम्मच वाइट पेपर, एक चौथाई चम्मच एरोमेटिक पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। अब बैटर बनाएंगे। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच मैदा लिया है, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 कच्चा अंडा ले लिया है। तो बैटर बनाने के लिए अंडे का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, मुझे अंडा पसंद है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे को स्किप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अंडा मैंने लिया है। इसका एक अच्छा सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे स्प्रिंग रोल की जो सीट होती है वो सीट बनाने के लिए। अब ये कच्चा अंडा देख सकते हो, इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है स्प्रिंग रोल के सीट में। तो सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे, बॉल में ऐड कर लेंगे हम मैदा, कॉर्नफ्लोर, और 1 कच्चा अंडा। तो अंडे को अच्छे से फैट लेना एक बार और आधा अंडा ऐड कर लेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर के साथ में। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एकदम से बहुत सारा पानी ऐड नहीं करना है, और वापस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिए और इसका एक घोल तैयार कर लीजिए इस तरह से। तो काफ़ी अच्छा घोल ये बनकर तैयार है। तो इतना तीख नहीं रखना है इसको, थोड़ा सा और पानी ऐड करना और पतला सा इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेना। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा तीख भी नहीं रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे बैटर तैयार है। अब हम कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई को फुल हीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक वॉक लिया है बड़ा सा। अब वॉक के अंदर हम तेल डाल देंगे बहुत सारा और तेल के साथ में कढ़ाई को गर्म करेंगे। तो कढ़ाई के हर कोने में हम तेल फैला देंगे और हर कोने को अच्छे से गर्म करेंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जानी चाहिए। तेल के साथ कढ़ाई को गर्म करेंगे तो जब हम स्प्रिंग रोल की सीट तैयार करेंगे वो टाइम पे हमारी सीट कढ़ाई से चिपकेंगे नहीं, इसका ये रीज़न है। अब कढ़ाई यहाँ पे फुल हीट हो चुकी है तो ये तेल निकाल लेते हैं इसमें से। तो तेल निकाल के हमने एक अच्छे से कपड़े से इसको पोंछ लिया है। तो देख सकते हो बैटर ले लेते हैं, इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर आपके पास होना चाहिए। बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कढ़ाई के कोने में डाल देंगे और इसको फैला देंगे इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बैटर इस तरह से सीट में तैयार हो जाएगा, यानी जो स्प्रिंग रोल का पट्टा बोलते हैं जिसको, तो पट्टा तैयार हो जाएगा। अब इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करके पका लेना है इस तरह से। किनारों को अच्छे से गर्म करिए
ताकि ये अच्छे से पक जाए और कढ़ाई से आसानी से छूट जाए। अब यहाँ पे हम फ्लोर पे थोड़ा सा मैदे से डस्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो स्प्रिंग रोल की सीट हमने तैयार करी है तो ये डस्ट किए हुए फ्लोर पे ऐड कर लेंगे। और मैदा कॉर्नफ्लोर में इसको अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि ये चिपके ना और अच्छे से सेट हो जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये स्प्रिंग रोल की सीट यहाँ पे तैयार है। तो काफ़ी आसानी से इसको आप अपने घर पे बना सकते हो, अपने बच्चों के टिफिन के लिए ये नाश्ता आप तैयार कर सकते हो। अगर आप गृहिणी हैं तो, अगर आप बैचलर हैं तो बस स्टार्टर का आनंद उठाइए, फ्रेश फ्रेश खाइए अपने घर पे। तो रोल सीट यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं, अब देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट रोल सीट यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो वापस हमने कढ़ाई ले ली है चूल्हे में और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल ऐड कर लिया है। अब इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे, शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे और प्याज और शिमला मिर्च को थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अब इसमें हम पत्ता गोभी और गाजर ऐड कर लेंगे और इसको भी सौते कर लेंगे थोड़ा सा। तो इस तरह से इसको सौते कर लेना है। अब सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर लेंगे एरोमेटिक पाउडर ऐड कर लेंगे व्हाइट पेपर ऐड कर लेंगे रेड चिल्ली सॉस ऐड कर लेंगे सोया सॉस भी ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा और याद रखिएगा सोया सॉस में भी नमक होता है तो उस हिसाब से आप इसमें नमक ऐड करिएगा। तो हरे प्याज के पत्ते भी ऐड कर लेते हैं और अब इसको अच्छे से पका लेते हैं, गैस को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। और इसी तरह से आप चिकन स्प्रिंग रोल भी बना सकते हो। तो इसमें आप बॉयल चिकन को डालिए तो चिकन स्प्रिंग रोल हो जाएगा। यहाँ पे मैं वेज और एग स्प्रिंग रोल की जो रेसिपी आपको बता रहा हूँ, एग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बैटर में अंडे का इस्तेमाल किया है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया है तो अंडे को स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फिलिंग तैयार है स्प्रिंग रोल की, जो स्टफिंग होती है वो तैयार है। तो इसको हमने एक बाउल में ले लिया है, इसकी लुकिंग देख सकते हो कितनी टेम्प्टिंग दिख रही है। तो चलिए अब यहाँ पे हम अंडा ले लेते हैं और ये बचा हुआ बैटर ले लेते हैं, स्प्रिंग रोल की सीट ले लेते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्प्रिंग रोल की सीट ले ली है। आप चाहो तो इसमें अंडे का लेप लगा के भी सील कर सकते हो या बचा हुआ बैटर लगाकर भी आप सील कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग डाल दी है वेज स्प्रिंग रोल के लिए, तो इसको फैला देना है थोड़ा लंबे शेप में एक किनारे पे और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है दोनों कोनों से। यहाँ पे हमने थोड़ा सा बचा हुआ बैटर लिया है, अपने उल्टे उंगलियों पे लगा दिया है इसको और इस तरह से इसको अच्छे से लेप लगाने के बाद अब यहाँ पे हम इसको रोल का शेप दे देंगे इस तरह से। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आराम आराम से इसको लपेट लेना है
और आप देख सकते हो ये हमारा रोल यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरा रोल तैयार करेंगे। अब इसमें मैं अंडा लगा के दिखाऊंगा आपको। पहले हम स्टफिंग ऐड कर लेते हैं स्प्रिंग रोल के कोने में, जिस हिस्से को हमने काटा है तो उसके किनारे पे इस तरह से लंबे शेप में सारी की सारी स्टफिंग हम रख लेंगे और दोनों कोनों से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कच्चा अंडा लिया है, तो दो तरीके हैं, या तो आपके पास बचा हुआ बैटर है तो उससे आप सील कर लीजिए किनारों को, या आपके पास कच्चा अंडा बचा हुआ है तो उससे भी आप सील कर सकते हो। उससे क्या होगा, जब हम फ्राई करेंगे तो रोल खुलेंगे नहीं। तो वापस इसको फोल्ड कर देते हैं किनार से। आराम आराम से करिए, प्यार से करिए, तो बहुत अच्छे रोल आपके बनकर तैयार होंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो रोल बिल्कुल तैयार हो चुका है। दोनों रोल हमने तैयार कर लिए, अब इनको करेंगे तेल में फ्राई। तेल को अच्छे से हीट करना है और तेल के अंदर इनको छोड़ देंगे हम। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इनको निकाल लेंगे। तो आप इनकी लुकिंग देख सकते हो कितनी टेम्पटिक दिख रही है। तो यहाँ पे हमारे वेज स्प्रिंग रोल बिल्कुल तैयार हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इनको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और रोल को ले लिया है, तो एक चाकू ले लूँगा। और स्लाइसेस में इसको कट कर लूँगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो यहाँ पे ये हमारे वेज स्प्रिंग रोल तैयार है। इनकी लुकिंग आप देख सकते हो कितनी लाजवाब, कितनी टेम्पटिक दिख रही है। बहुत ही स्वाद से भरपूर और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने सर्विंग प्लेट में इसको सर्व कर लिया है। आप इसको टमाटो केचप या सेजोन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी तैयार है। तो दोस्तों इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ ऐसी एक और